शायद नहीं ठीक है एमएलए साहब, मुझे पता है यार आप बड़े पुराने वो हैं एमएलए साहब, आपने बड़ा कुछ देखा। खुदा करे कि आगे भी हमारे एमएलए बन जाएं, आपके साथ हमारे बहुत वाबस्ता हैं, अपने गांव के हैं, अपने साथ में ही हैं। अपने कहते हैं कि अपन मारी शैलिस राय, अपना मार के शेष सजाए में रखेगा, बगाना वो धूप में ही रखेगा, ये कश्मीरी कहावत है। तो बहुत मुबारक आपको इधर आना, तो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप बीजेपी में आई, जैसे मैं था पहले चमन लाल के टाइम में, मैं सबसे पहले बीजेपी में था और कितने काम कराए यहाँ पर, कितने टीए में भर्ती हो गए, कितने पुलिस में यहाँ पर हेलीकॉप्टर आया था और यहाँ पर डीजी ने, कितने पुलिस में, कोई भी पार्टी है कोई भी किसी का काम नहीं रहने देती है, कुछ ना कुछ फायदा लेते हैं हम इन पार्टियों से। तो बहुत काम हुए बीजेपी की तरफ से, अटल जी थे, अडवाणी जी थे होम मिनिस्टर, उन्होंने श्रीनगर में मीटिंग की कि ये डिस्टर्ब एरिया है लोहान, तो यहाँ फिर कहने लगा कोई मलिक साहब ने किया, वो किया, ये किया, मलिक साहब को पता ही, चलो हमने उस पर जो कुछ भी हुआ हमने किसी कुछ का नाम नहीं। तो हमने अपना ताउन देना, पहले अपने आप को हमने फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले अपने आप को हमने ठीक करना है। हमने पार्टी ज्वाइन की तो इसमें हमने काम करना है, इसमें पूरा ताउन देना है, फिर हमारे काम क्या उन्हें होंगे, फिर कोई वजह नहीं कि हमारे काम नहीं होंगे, बहुत काम होंगे। एमएलए साहब, मैं आपसे एक थोड़ी सी बात, ना जाने आपको थोड़ा मेरा बुरा ना लगे, यहाँ पर एक दिन आप आए थे, मीटिंग हुई थी, तो मैंने कहा था एक बिल्डिंग जो है हायर सेकेंडरी की, ये थोड़ा इसकी वो डेकोरेशन एक जैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा वो काम रह गया। आप ऐसे कीजिए ना, मैं आपको कहता हूँ यहाँ जगह कम है स्कूल के लिए, आपको जगह वो जो पुराने कमरे हैं सर, बीच हम आपको कोई चार कमरे और दिलवा देता हूँ। नहीं शुक्रिया शुक्रिया, आप जगह दीजिए, नहीं हम चाहते थे कि उसी बिल्डिंग पे उसी वो बीच में एक थोड़ा सा नीचे, अगर पॉसिबल है तो उसका एस्टीमेट बनवा लेते हैं, अगर उसके ऊपर बन सकता है तो उसके ऊपर वो आना चाहिए काम, क्योंकि हर बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, हर गांव का यहाँ पर हायर सेकेंडरी में आता है, सब का, ये बच्चे सब के हैं, हमारे नहीं है, एक दूसरे ये सब के बच्चे हैं, फूल हैं, या कल देश के रखवाले बन सकते हैं। दूसरी बात हमारी ये कि हमारा गाँव थोड़ा बदनाम नहीं है, बदनाम कैसे है कुछ, मैंने सुना अपनी कुछ ऐसा नहीं होता, मैं बीजेपी में रहा हूँ सब कुछ है, लेकिन ऐसा करो कि आप हमारे भाई हैं, मैं मुंह पे बात करता हूँ, पीछे नहीं, पीठ के पीछे, वो कुत्ते का काम, आगे बात करो, चाहे किसी को कौड़ी लगे, चाहे किसी, मैं आपके साथ हूँ, आज से नहीं पहले से, जब आप एमएलए का इलेक्शन लड़े थे उस वक्त मैंने आपको वोट दिया था, लेकिन आपकी पार्टी ने कहा था कि नहीं एक दो वोट जो आप चलते रहते, ये भी बैठा है सामने, इसने भी नहीं वोट डाला था उस वक्त, ये बात ये है ना, जब इलेक्शन हो जाए हम वोट नहीं गिनते, किसने लिए पास्ट है ना, वो हो गया, जो हो मुझे आने वाली बात है उस पर आने के लिए हम तैयार हैं आपके साथ, कोई बात हम तैयार है दिलो जान से, ऐसे नहीं दिलो जान से, ठीक है दिल फाड़ के हम चलेंगे आपके साथ, और आप हमारे गांव के हैं, आपको क्यों नहीं, हमका हमारा फर्ज बनता है, हमने बहुत काम, हमें काफ़ी फायदा मिला, गरीबों को राशन मिल रहा है बीजेपी की तरफ से, ये कार्ड्स बने हैं गोल्डन कार्ड से जो हेल्थ के लिए, पहले से मुलाजमों के लिए बनते थे, अब गरीब आवाम को भी फायदा मिल रहा है, कितना हमें सब कुछ पेंशन जो कुछ, चलो पेंशन पहले से या कुछ भी था, लेकिन बहुत काम ऐसे हुए हैं जो गरीबों के हित, इसमें शक नहीं, लेकिन थोड़ा सा बीच में हम लोग भूल जाते हैं, नहीं कोई नहीं भूलता, कभी मजबूरी होती है, अगर हम किसी का वो काम करेंगे तो हमें उसका फर्ज अदा करना है, क्यों नहीं करना, बहुत अच्छा, ठीक है, जय हिंद।